तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम की, मतलब कि टाइमर, डिजिटल घड़ी या टाइमर जो कहिए बनाने का तरीका हम समझने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी हमारा, डिजिटल घड़ी हमारा वर्क करेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो हम पहले एक्सेल पे और इसके बाद उसके और भी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने आपके सामने एक मिनट, एक बार घड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार कर लेता हूँ। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, कलर मैंने इसको वाइट कर दिया, टेक्स्ट कलर, और इस पे हमने आज का डेट टाइम डाल दिया और टाइम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और सेंटर अप, लेकिन इसमें हमने 00 नहीं दिया तो फॉर्मेट सेल और यहाँ हम स्लैश एसएस कर देते हैं ताकि 0 भी सेकेंड्स भी दिख जाए, राइट। तो बेसिकली टाइमर के लिए हमें तीन ये चाहिए होता है माइक्रो, तीन माइक्रो चाहिए होता है, एक माइक्रो से नहीं होता है। तो जो पहला माइक्रो होता है हमारा वो होता है हमारा रिकॉल माइक्रो, दूसरा होता है आपका टाइमर और तीसरा होता है डिसेबल, ओके। हेलो, तो तीन तरह के माइक्रो यहां पे लगाए जाते हैं। तो यहां हम देते हैं, पहला माइक्रो बनाते हैं सब्जेक्ट, इसका नाम डालते हैं रिकॉल, नाम कुछ भी दे सकते हैं बट रिकॉल हमने यहां पे डाल दिया। और यहां होगा हमारा रेंज ए ए वन, डॉट डॉट वैल्यू इक्वल टू यहां पे मैं टाइम डाल देता हूं और फिर इसके बाद यहां पे हम सब सेट टाइम माइक्रो बनाते हैं और इसमें हम एक डालेंगे एस आर, मतलब कि सेट टाइम इक्वल टू नाउ, मतलब सिस्टम की डेट एंड टाइम प्लस टाइम वैल्यू। मुझे हर सेकेंड मुझे मेरा घड़ी अपडेट चाहिए, इसलिए हम टाइम वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे और टाइम वैल्यू में हम यहाँ पे 00 00 and 01 करेंगे। और फिर यहाँ पे हम देंगे मेन कोड, वो है एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम। तो यहां पे हम देंगे एस आर जो ऊपर हमने लिया हुआ है और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में रिकॉल, जो ये आपका रिकॉल है जिसको जिसको माइक्रो पर हर सेकेंड रन करेगा वो हमें रिकॉल यहां देना होगा बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। और तीसरा माइक्रो देना है डिसेबल का, क्योंकि ये चलता रहेगा तो ये माइक्रो भी चलता रहेगा तो बंद करना जरूरी है। तो यहां पे मैं देता हूं स्टॉप टी, या कुछ भी देना चाहते दे दीजिए, यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे देना है एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम। अब यहां जो ऊपर एसआर वाला जो हमें दिया हुआ है, एसआर वाला हम यहां और यहां पे एसआर प्रोसीजर का नाम हमने दे दिया रिकॉल कॉमा, लास्ट डेट छोड़ दीजिए और यहां पे आता है शेड्यूल, शेड्यूल में हमने यहां पे फॉल्स कर दिया और इसके ऊपर हम यहां ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, हमने रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया,
अब इसको ट्रिगर करने के लिए हमें तीन दो बटन चाहिए, एक स्टार्ट का, इसमें हमने सेट टाइम, देखिए रिकॉल को रन नहीं करना, हमें सेट टाइम को रन करना है। रिकॉल को रन करेगा जो सेट टाइम है वो, और यहाँ पे हमने दे दिया स्टार्ट स्टार्ट, और यहाँ हमने वापस बटन लिया और इसको ड्रैग किया, और स्पीड जो हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉप को, क्योंकि माइक हमें स्टॉप भी तो करना पड़ेगा ना, स्टॉप। अब देखिए मैंने स्टार्ट किया, मेरी घड़ी स्टॉप, घड़ी चलनी शुरू क्यों नहीं हुई? हाँ, हमने एक छोटी सी गलती की यहां, जो कल भी हम गलती कर रहे थे, यहां हमें सेट टाइम को, मतलब कि इस वाले माइक्रो को कॉल करके या रन करना होगा, ये जरूरी है। वर्क कर गया, अतीश पांडे जी समझ में आया आपको? हेलो विजय जी समझ में आया आपको? यस सर। अब इसका स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे, स्टॉप, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है कि ये तो चलो घड़ी है, घड़ी के अलावा क्या हो सकता है, ठीक है? या इसको यूजर फॉर्म पे भी कर सकते हैं, बस यहाँ जो हमने रेंज का नाम दिया है नजर, इसके जगह पे यूजर फॉर्म, हमारे यूजर फॉर्म आपका, आप चाहते यूजर फॉर्म पे इसको रन करना, तो यूजर फॉर्म हमने यहां पे लिया, और यहां पे हमने लेबल को रखा, यहां पे बैक कलर जो है इसको ब्लैक कर देता, फोर कलर व्हाइट कर देता, और इसकी फॉन्ट में आता हूं, फॉन्ट में इसको बड़ा कर देते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं और हमने यहां पे इनिशियलाइज में, इनिशियलाइज पे आते हैं और सेट टाइम वाला माइक्रो रन कर देते हैं जो हम बटन पे रन कर रहे थे, और यहां हम कोड के अंदर जो है जो रेंज था, इस रेंज को ना लिख के हम यहां लिखेंगे यूजर फॉर्म वन डॉट कैप लेवल वन, माफ कीजिएगा, लेवल वन डॉट कैप्शन इक्वल टू टाइम, और इसको रन कर, यहां पर रन करते हैं तो टाइमिंग चलता रहेगा। अब यहां हमने स्टॉप वाला बटन तो दिया नहीं, तो स्टॉप कैसे होगा सर? तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें, इसको स्टॉप करने के लिए हमें इस वाले माइक्रो को रन करना होगा, तब जाके टाइमर स्टॉप होगा। अब जैसे कि इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे यहां कुछ टाइप करना है, यहां हमें टाइप करना, मैं इसको मर्ज कर दिया, हम कुछ टाइप करने के लिए देते हैं, लेकिन मैं उसको देता हूं 2 मिनट का टाइम, कि इन द 2 मिनट्स में अगर उसने टाइप नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो यहाँ इसकी सीट बंद हो जाएगी या सीट डिसेबल हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, तो 2 मिनट का टाइम हमें यहाँ देना है, ये चीज हम ऑन टाइम से चलाएंगे। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट एक आरसी के नाम से देते हैं, यहाँ पे एक मिनट लग रहा है, ये शेड्यूलर बंद नहीं हुआ है, अब ठीक है।
यहां पे मैं करता हूं रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू टाइम, टाइम में हमने यहां पे टाइम सी एक मिनट रुक जाइए, इसमें हम 2 मिनट ऑलरेडी दे देते हैं। कस्टम में आते हैं, यहां देंगे हम रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज ए वन डॉट वैल्यू माइनस टाइम वैल्यू और यहां पे 00/00/01 एक सेकेंड हमें माइनस करना है बस, और यहाँ पे हम सब एस टी के नाम से हम यहाँ पे बनाते हैं एस टी, और एस टी में हम यहाँ पे सबसे पहले हमें आर सी कर दिया, अच्छा एस आर कर देता हूँ, एस आर ये जो ऊपर हमने दिया हुआ है ना, ये जो चीज़ दिया हुआ है सेम इसी को उठाना है हमें, इसमें हमने एस टी को तो यहाँ जो हमने रिकॉल किया है रिकॉल के जगह पे हम कर देंगे आर सी और यहाँ पे दे देंगे एस टी, ठीक है। अब यहाँ हम एक कंडीशंस रन करेंगे कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे दैन यहाँ पे सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू एक्स्ट्रा हिडन या वेरी हिडन कर देता हूँ यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ हम सब डी आई वी कर देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हमने इसको जो रन किया है ना ये नीचे वाला स्टॉप वाला इसको लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और हम रिकॉल के जगह पे दे देते हैं एस टी, एस टी नहीं सर आर सी, हाँ आर सी, और यहाँ हम आर सी को कॉल करते हैं और यहाँ ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट देना होगा, और फिर यहाँ पे बटन हमें देना है और इसके अंदर हमने एस टी को रन कर दिया। इसको रन करना होगा,
आरसी नहीं होगा, माफ कीजिएगा डीआईबी होगा, हमने गलत लिख कर दिया। सीट A1 माइक्रो मे बी नॉट अवेलेबल इन दिस वर्क बुक, एक ही फाइल होता है ना, दिक्कत इसमें। कैन नॉट बी माइक्रो सीट A1, एक बार फाइल सेव करता हूँ। ऑन टाइम में दिक्कत होता है ना सर, कि आपने अगर रन कर दिया तो स्टॉप वाला माइक्रो अगर आपने दो बार रन कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आरसी नाम का कुछ तो है नहीं, एसटी हो गया यहाँ ऑन आरसी हो गया। माइक्रो डिसेबल क्यों हो गया इसमें यार, एसआर हमने दे दिया एप्लीकेशन ऑन टाइम, एसआर आरसी A1 डॉट वैल्यू सी हो जाए और डीआईबी चल जाए, सब डीआईबी एज्यूम नेक्स्ट और ठीक है। आरसी की जगह पे आरएसी करता हूँ, हो सकता है आरसी रिजर्व वर्ड हो, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, आरसी का ही प्रॉब्लम था, आरसी रिजर्व वर्ड है तो कभी कभी इसका भी इस तरह के भी तुक्का लगाना होता है सर।
सी तो रिजर्व वर्ड था, ये पता था कि सी रिजर्व वर्ड है, आर सी के बारे में पता नहीं था। चलिए आज पता चल गया कि आर सी भी रिजर्व वर्ड है, उसके नाम का मैक्रो नहीं बनाया जा सकता। ओके सर, तो समझ में आया ठीक इस तरह काम कर। अब यहाँ पे जो टाइमिंग चलेगा और मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और टाइमिंग हमेशा चलता रहेगा। ठीक है सर, टाइमिंग रुकेगा नहीं है, टाइमिंग हमेशा चलता रहेगा। और जैसे टाइमिंग जीरो होगा, सी टू को जो है डिसेबल कर देगा। वेट करके वो भी देख लेते हैं डिसेबल करता है कि नहीं करता, और टाइमिंग स्टॉप हो जाएगी। देख लेते हैं 50 सेकंड बचा हुआ। हम इसके बीच में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अप्लाई कर, ठीक है, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम, पर टाइमर चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इसी प्रॉब्लम होती है तो आपका सिस्टम हैंग होते रहता है, हैंग होने के चांसेस होते हैं। हाइड हो गया सर? हेलो, जी वापस सर, हाइड करता हूँ। तो इस तरह की चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल इससे आगे की चीजों के बारे में डिस्कस